छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, साथ ही शुरुआत हो चुकी है इलेक्शन पर सबसे सटीक और स्पेशल कवरेज देने वाली वन इंडिया की इलेक्शन रिपोर्ट की। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा सीट की। कांकेर जिले की ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। अंतागढ़ विधानसभा सीट का नाम पहले नारायणपुर था। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से इस सीट से विक्रम उसेंडी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये वही विक्रम उसेंडी है जिनका एक भी बार बीजेपी ने टिकट नहीं काटा है, भले ही वो चुनाव जीते या हारे। 1993 से लेकर 2023 के चुनाव तक उनका टिकट नहीं काटा गया है, इसलिए इन्हें बीजेपी का मिस्टर भरोसेमंद भी कहा जाता है। वही कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अनूप नाग का टिकट काटकर रूप सिंह पटोई के रूप में नए चेहरे को मौका दिया है। टिकट कटने से नाराज अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते यह मुकाबला अब काफी दिलचस्प हो गया है। वहीं बात अगर अंतागढ़ के राजनीतिक समीकरण की करें तो 1993 से लेकर 2018 तक के चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अंतागढ़ विधानसभा सीट बीते चार चुनावों में वैसे तो बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन 2018 में कांग्रेस के अनूप नाग ने बाजी पलटते हुए बीजेपी के विक्रम उसेंडी को पटकनी दे दी थी। वहीं 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में विक्रम उसेंडी ने कांग्रेस के मंतुराम पवार को 5000 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं बात अगर इस सीट की जातीय समीकरण को समझने की करें तो आदिवासी बहुल इस इलाके में कुल मतदाताओं की संख्या 1,65,148 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 80,958, महिला मतदाताओं की संख्या 84,182 और थर्ड जेंडर 8 है। वहीं अगर इस सीट के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो अंतागढ़ में 60% एसटी समुदाय है और 30% ओबीसी समुदाय और 10% सामान्य वर्ग है। अंतागढ़ विधानसभा सीट की स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहां के लोग खेती किसानी और वनों से मिलने वाली वनोपज पर ही आश्रित है। इस विधानसभा के कई गांव ऐसे भी हैं जो अब भी मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। ड्राई जोन के होने के कारण यहां सरकार की नल जल योजना, जल जीवन मिशन योजना पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते यहां के लोगों को कुएं के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रामीण नदी किनारे बिजली का खंभा लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं ताकि सिंचाई में उन्हें मदद मिल सके, लेकिन अब तक ये मांग भी पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा पक्की सड़क ना होना भी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। वहीं नक्सल समस्या दूर करने के लिए अंतागढ़ में नए सीआरएफ कैंप भी खोले गए हैं और कुछ हद तक नक्सली इस इलाके से बैकफुट पर भी हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में जो विकास होना था वह विकास नहीं हो पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।